पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर मुकदमा दर्ज होने पर उस पर अभियुक्त बघेल द्वारा प्रेस में दी गई प्रतिक्रिया पर अब भाजपा ने संभाग स्तरीय प्रेस वार्ता कर पूर्व मुख्यमंत्री को न्यायिक प्रक्रिया का सामना और सम्मान करने का सुझाव दिया है। इस दौरान दुर्ग में हुए पत्रकार वार्ता में भाजपा शहर विधायक गजेंद्र यादव ने कहा कि अभियुक्त का सार्वजनिक बयान चोर की दाढ़ी में तिनका है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल पर मुकदमा दर्ज होने के बाद राजनीति के गलियारों में काफी उथल पुथल नजर आ रही है। बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के साथ ही सामने आया इस मामला तूल पकड़ने लगा है। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस सुनहरे अवसर को पूरी तरह से खेलने की तैयारी की गई है। इस मौके पर सोमवार को भाजपा ने सभी जगहों पर संभाग स्तरीय प्रेस वार्ता आयोजित कर पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। नियम में है ये कि मंदिरों में सबसे निर्माण कराया सामुदायिक वन के लिए बनाया गया है। सामुदायिक वन बनाए कि मंदिर का निर्माण की बात हो, सामुदायिक वन सारे सामुदायिक मंदिर के पास में सामुदायिक वन। इसी कड़ी में दुर्ग भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में शहर विधायक गजेंद्र यादव ने भी अपनी बातों में कहा कि कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर मुकदमा दर्ज होने और उस पर अभियुक्त बघेल द्वारा प्रेस में दी गई प्रतिक्रिया वास्तव में चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा ही है। भूपेश जी को जो भी कहना है संबंधित एजेंसियों या कोर्ट में जाकर कहना चाहिए, अनाप शनाप राजनीतिक बयानबाजी से कोई लाभ नहीं होने वाला। सोशल मीडिया पर घूम रही प्राथमिकी के दो पन्ने पर अपनी भड़ास निकालने से बेहतर है कि अभियुक्त उचित माध्यम से मूल कॉपी प्राप्त कर न्यायिक प्रक्रिया का सामना और सम्मान करे। भूपेश बघेल या तब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ महादेव ऐप से संबंधित जितने भी विषय हैं वह इससे कहीं अधिक गंभीर और विस्तृत हैं जितना इस दो पेज में है। इसके साथ ही कहा कि अभियुक्त का सार्वजनिक बयान चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा प्रतीत हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री को न्यायिक प्रक्रिया का सामना और सम्मान करने की बातें उन्होंने कही। आज प्रेस वार्ता, चूंकि कल हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाया कि ईओडब्ल्यू ने माननीय भूपेश बघेल जी और उसके साथ उनके 16 सहयोगी के खिलाफ जो FIR दर्ज किया उनका कहना था कि ये राजनीति से पीड़ित है, भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। उस संबंध में कहना चाहता हूँ, चूंकि हम सबको मालूम है कि अभी लोकसभा का चुनाव आचार संहिता लग गया है, चुनाव आचार संहिता में शासन का हस्तक्षेप निर्वाचन आयोग को दिया जाता है, प्रशासन पूर्णतः निर्वाचन आयोग के हिसाब से चलती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी शासन की कोई भूमिका नहीं है। ईओडब्ल्यू एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और वो अपने हिसाब से जो पुराने भूपेश बघेल जी के जो मुख्यमंत्री काल में जो महादेव पे जो घटना मतलब जो उसमें आरोप लगा था जांच हुई उसी जांच को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए FIR किया है। कल भूपेश बघेल जी ने प्रेस वार्ता रिलीज किया है, उन्होंने ये बताया कि जब मेरा नाम किया जा रहा है तो अधिकारी शामिल है, उनका नाम ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। महादेव सॉफ्टवेयर ऐप मामले में महादेव सॉफ्टवेयर ऐप में जो 16 आरोपी है, जो उनके साथ सह आरोपी है, उन्हीं सह आरोपी में दो लोगों ने अपना वीडियो जारी करके वो बात ही 500 करोड़ रुपए कुछ एक निश्चित राशि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भेजी गई। उन्होंने स्पष्ट बयान भी लिखित कर दिया, वीडियो भी वायरल कर दिया, तो ऐसा कहना उचित नहीं है कि उनके नाम नहीं जानना चाहिए, क्योंकि वो अभियुक्त है इसलिए उनका नाम जोड़ा। जनता का ये कहना है कि भाजपा चुनाव लड़ने से उन्हें वंचित करना चाहती है, नहीं चाहती कि भूपेश बघेल चुनाव लड़े, भाजपा डर चुकी है, सहमत है क्या? भाजपा कोई डर ही नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। भाजपा पहली बात यह है कि भाजपा के इशारों पे में भाजपा सरकार के किसी नेतन का न सरकार के किसी नुमाइंदे ने संबंध किया है। ईओडब्ल्यू ईडी के कहने पे वो FIR की है, किसी सरकार के किसी भी नुमाइंदे या किसी भाजपा के कहने पे कार्रवाई नहीं की है। डरने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक चुनाव के पहले चुनाव के पहले नहीं था, अगर भाजपा चाहती तो वो तो 2 महीना पहले ही FIR कर, भाजपा कोई द्वेष रहता, कोई बात रहती,
बदलक भावना से करना चाहते हैं, तत्काल समय वो कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी कहीं इसमें उलझन नहीं है, जहाँ से जैसे कहने पर। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।